बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। इस सूची में महाराष्ट्र से 1, उत्तर प्रदेश से 2, पंजाब से 3 और बंगाल से 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। इस लिस्ट में बीजेपी केसरगंज सीट पर कोई फैसला नहीं लिया है। बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट केसरगंज को लेकर बैकफुट पर साफ साफ नजर आ रही है। ब्रजभूषण केसरगंज से सांसद हैं। महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसके कारण भाजपा का हाल चाकू सेब पर गिरे या सेब चाकू पर वाला हो चुका है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के देवरिया से रामपति राम त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह बीजेपी के पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के पुत्र शशांक मणि त्रिपाठी को दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास को उम्मीदवार बनाया गया। फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। यहां से मौजूदा सांसद चंद्रसेन जादौन का भी टिकट कट गया है। विश्वदीप सिंह 2014 में फिरोजाबाद से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए यूपी में 4 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। लखनऊ पूर्वी से ओपी श्रीवास्तव को टिकट मिला है। सभी का नाम कुछ इस तरह से है। महाराष्ट्र से सतारा से छत्रपति उदयन राजे भोसले, पंजाब के खंडूर साहिब से मनजीत सिंह मन्ना मियाविंड, पंजाब के होशियारपुर से अनीता सोम प्रकाश, पंजाब के भटिंडा से परमपाल कौर, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह, उत्तर प्रदेश के देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी, पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से अभिजीत दास को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।